Hello students. Okay, today we start the new chapters of the maths, chapter number 4, principle of the mathematical induction. Right, so here the this chapter is very easy. What is the meaning of the induction? First of that, the word induction. So induction means the generalizations from the particular facts, जो mathematical facts है. Okay, उसको हम लोग generalize form में लाएंगे. यहाँ पे use of the क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. राइट, तो जो यहाँ पे है ओके, हम लोग इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीएमआई, ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो मेथड क्या है बच्चों यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे मेथड नॉर्मली क्या है कि लेट ओके, यहाँ पे पीएन बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर्स एन. तो पहले हम लोग स्टेप वन में क्या करेंगे, डिवाइड मैंने कर दिया है. तो पहले हम लोग पी वन प्रूव करेंगे. पी वन प्रूव करने का मतलब पी एन के अंदर एन इज इक्वल टू वन रखेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा, तो पी वन ट्रू हो जाएगा. स्टेप टू के अंदर बच्चों पी के वन इज ट्रू, एन एन की जगह पे के रख के आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि वो सही है, मतलब प्रूव ही है, ट्रू ही है ऐसा. और फिर हम लोग फिर से वी सेल प्रूव द पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू. ओके, अगर ये हो जाता है मान लो ओके, तो हमारा काम खत्म हो गया. फिर हम लिखेंगे पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल फॉर के बिलोंग्स टू एन. सो देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन. राइट, बस इतना सिंपल है. ओके, बहुत आसान है बच्चों इसको सॉल्व करना. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. दिस चैप्टर्स आर वेरी इजी. ओके, तो फर्स्ट वन देखो, पी वन आपको एक मैथमेटिकली प्रूवन स्टेटमेंट ही है जो राइट ही है. राइट, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन सबसे पहले बच्चों. राइट, स्टेप वन, तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे कि वी सेल प्रूव पी वन इज ट्रू. राइट, तो क्या करना है आपको, एन इज इक्वल टू वन लाना है. ओके, तो चलो पी एन के अंदर रख दो आपका एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड एरा, तो क्या होगा, थ्री रेस टू वन माइनस वन आपने एन की जगह पे, तो थ्री रेस टू जीरो, थ्री रेस टू जीरो क्या होता है, वन. राइट, नाउ आर एच एस ले लो बच्चो, तो आपका आर एच एस क्या है, तो क्या थ्री रेस टू एन माइनस वन बाई टू. सो अगेन पुट नॉर्मली आपके पास क्या है, ओके, तो थ्री रेस टू एन बाय वन, तो वन माइनस वन है नॉर्मली आपके पास जो भी वैल्यूज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. राइट, तो हम लोग यहाँ पे जो करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू वन सबसे पहले, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आपको मिलना चाहिए. राइट, तो सीधी बात है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो थ्री रेस टू वन माइनस वन अपॉन टू, तो टू बाय टू इज इक्वल टू वन. तो सीधी बात है बच्चों, इधर क्या आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. राइट, तो अब लिख, सो देयर फॉर पी वन इज ट्रू. राइट, स्टेप वन क्लियर. अब स्टेप टू में क्या करोगे बच्चों, राइट, तो हमें करना है कि पी के ओके इज ट्रू, एक्सेप्ट कर लेना है कि ये तो ट्रू ही है, तो एन की जगह पे के रख दो, सो पी के इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जहां पर एन है बच्चों क्या करना है आपको, के रख देना है बस, वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू नाउ सुन थ्री रेस टू, एन की जगह पे क्या कर दोगे, खाली के, ओके, तो के माइनस वन इज इक्वल टू थ्री रेस टू के. राइट, माइनस वन ऐसे एन बाय टू, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ गए अब थ्री. ओके, बस यहाँ पर जैसे फर्स्ट स्टेप्स में लाए थे ऐसे. ओके, अगर ये करना है तो क्या करेंगे, वी सेल प्रूव, वी सेल प्रूव पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, हमें इसको ट्रू करना है. राइट, तो क्या करेंगे, ए, बस यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कुछ नहीं पूरे सम्स के अंदर. राइट, तो सबसे पहले आपका पी ऑफ एन की जगह पे क्या रख देना है, के प्लस वन, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन इन योर पी एन, तो वन प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू नाउ सुन लास्ट स्टेप, मतलब सेकंड लास्ट स्टेप क्या आएगा, थ्री के माइनस वन. राइट, प्लस थ्री की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे
के प्लस वन रख दो तो के की जगह पे के प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू बच्चों थ्री के प्लस वन के की जगह पे वाई वन एंड बाय टू राइट। तो चलो ए आपने कर दिया यहाँ पे, मैं ए थोड़ा ओके कर देता हूँ चलो राइट। अब ए एल एच एस होगा ए आर एच एस होगा, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आपके पास आर एच एस तो आ गया थ्री रेस टू के प्लस वन माइनस वन बाय टू, हमें ऐसा लाना है तो राइट। चलो सबसे पहले यूज करो एल एच एस, तो आपका एल एच एस क्या है तो क्या वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर बच्चों प्लस अप टू नाउ सुन थ्री रेस टू के माइनस वन प्लस इधर के वन वन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा थ्री रेस टू के बचा। अब थोड़ा ध्यान से आप देखना ओके, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है ओके कि आप कैसे उसको पकड़ लोगे राइट। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट आपको कर रहा हूँ चलो कि इतनी वैल्यू क्या है मुझे बताओ, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ राइट। हाँ राइट ये वैल्यू किसकी है बच्चों पीके की, किसकी वैल्यू है पीके की राइट। तो शॉर्टकट के लिए आप ये याद रख सकते हो, तो आपके पास क्या आ गया पीके प्लस थ्री रेस टू के राइट इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ पीके की वैल्यू क्या है। तो आप ए लाए थे पीके की वैल्यू राइट, तो वो यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी राइट। तो चलो ये रख देते बस यही पॉइंट इंपोर्टेंट है। सो थ्री रेस टू के माइनस वन बाय टू प्लस यहाँ पे तो थ्री रेस टू के तो आपके पास है ही ओके इज इक्वल टू एलसीएम ले लो तो थ्री रेस टू के माइनस वन ए टू इसके साथ आ जाएगा तो प्लस टू इंटू थ्री रेस टू के एंड डिवाइड बाय टू राइट ओके। तो चलो हम लोग आगे थोड़ा बहुत करेंगे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया सो इज इक्वल टू ए थ्री रेस टू वन टाइम्स है और ए टू टाइम्स है, तो समझो कि टू एक्स प्लस एक्स होता आप थ्री एक्स लिखते तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे थ्री इंटू थ्री रेस टू के राइट एंड माइनस वन तो एज इट इज एंड डिवाइड बाय टू इज ऑल्सो एज इट इज तो इज इक्वल टू क्या गया बच्चों थ्री, पावर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है तो क्या हो गया के प्लस वन माइनस वन एज इट इज एंड डिवाइड बाय टू तो इज इक्वल टू क्या गया बच्चों आर एच एस आ गया यस। तो आप लिख सकते हो कि हियर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सो देयरफॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। अब क्या लिखना है हर एक बार तो के पी के इंप्लाइज दैट पी के प्लस वन ओके इज ऑल्सो ट्रू राइट फॉर के बिलोंग्स टू एन, देन आप लिख सकते हो कि पी एन इज ओके पी एन इज ट्रू ओके फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन राइट। इतना सिंपल आप इंडिकेट कर सकते हो, लो सम खत्म हो गया कुछ नहीं। तो आपने देखा बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री जो स्टेप थ्री है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो क्या किया फिर से कर लेते हैं, तो आप जब लिखोगे पी के प्लस वन तो पी के तक तो आपको लिख ही देना है ओके, शॉर्टकट समझा रहा हूँ कैसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। पी के क्या है थ्री रेस टू के माइनस वन वहां तक तो लिख दिया और फिर लास्ट स्टेप के अंदर के की जगह पे के प्लस वन रख दो। सिमिलरली आर एच एस में भी यही करो थ्री के प्लस वन माइनस वन बाय टू राइट ओके। तो ए और इसका आंसर लाना था, अब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस फर्स्ट स्टेप की तरह आपको प्रूव करना था। तो एल एच एस हमने ले लिया तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो डायरेक्ट पी के प्लस लास्ट स्टेप्स आपका जो भी टर्म्स आने वाला है वो ओके और फिर पी के की वैल्यू रख दो हर एक सम के अंदर, सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली आप आर एच एस के आसपास आ जाओगे और हर एक में इक्वल टू मिल जाएगा तो ये ट्रू है अदरवाइज ट्रू नहीं है राइट। चलो क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, बस इतना आसान है। अब फिर से और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए बच्चों, ये तो सब जितना समझोगे उतना इंटरेस्टिंग रहेगा राइट ओके। तो चलो नंबर टू राइट, तो नंबर टू हमारे पास है ओके। चलो नंबर टू क्या है वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस अप टू एन क्यूब, सामने है एन एन प्लस वन बाय टू एन एन स्क्वायर ओके। मैथमेटिकल प्रूफ स्टेटमेंट ही है तो
तो भी एक बार चेक कर लेते राइट ओके। तो क्या था हमारा पी ऑफ एन, उसको पी एन कहते, तो के वन क्यूब था प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस अप टू नाउ सून एन क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू राइट होल स्क्वायर, या फिर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन स्क्वायर बाय फोर भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टेप वन, स्टेप नंबर वन। ओके पहले ही बताया क्या करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सिंपल है। ओके पुट n इज इक्वल टू वन, वी वॉन्ट टू द पी वन इज ट्रू, प्रूव करना चाहते हैं राइट। तो इन वन तो आपका पी एन जो भी है वो, सो एल एच एस के अंदर, चलो पी ऑफ वन प्रूव करना है, तो पी ऑफ वन क्या आएगा यहाँ पे एन क्यूब राइट, तो एन क्यूब मतलब वन क्यूब, तो वन क्यूब कितना है दिस। चलो आर एच एस, आर एच एस आपका क्या है, तो इज इक्वल टू एन। ओके आर एच एस के अंदर क्या है हमारे पास, ओके चलो एन एन प्लस वन बाय टू एन सबका स्क्वायर राइट। चलो एन की जगह पे वन रखना है आपको, इंटू ब्रैकेट वन इंटू वन प्लस वन कितना हुआ टू, डिवाइड बाय टू होल स्क्वायर, टू टू कट वन का स्क्वायर वन, तो यहाँ पे हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस राइट। सो देयर फोर पी वन इज ट्रू राइट, तो हमने तो प्रूव कर दिया। स्टेप नंबर टू, तो स्टेप नंबर टू क्या कहता है, एक्सेप्ट कर लेना है कि पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू राइट। ओके तो क्या हो जाएगा, एन की जगह पे के रखना है आपके पी एन स्टेटमेंट में। सो वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस एन क्यूब है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, के क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू सामने के, के प्लस वन डिवाइड बाय टू राइट, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। चलो क्लियर, ये आपने पी के अपने आप बना लिया क्योंकि ये तो ट्रू ही है। अब हम लोग स्टेप थ्री पे जाएंगे, स्टेप वाइज करोगे आसान रहेगा। चलो स्टेप नंबर थ्री, वी सेल प्रूव पी के प्लस वन, सो पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन इन योर इक्वेशन, सो पी एन की जगह पे क्या आएगा पी ऑफ के प्लस वन, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब राइट एंड प्लस अप टू नाउ सून, क्या बोला था पी के का लास्ट स्टेप तो लिख ही देना है और के की जगह पे के प्लस वन राइट, तो ये सेकंड लास्ट स्टेप आ जाएगा, लास्ट स्टेप आ गया। ओके यहाँ पे के की जगह पे क्या करोगे के प्लस वन इंटू, यहाँ पे के की जगह पे के प्लस वन प्लस वन, बच्चों के प्लस वन प्लस वन समझ में आया। ओके वन तो था ही एज इट इज, के की जगह पे के प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर राइट। तो मैं पहले यहाँ पे आर एच एस इंडिकेट सिंप्लीफाई कर देता तो हैज पॉसिबल, तो आपके पास है के प्लस वन राइट, दूसरा क्या आ गया के वन प्लस वन तो के प्लस टू एंड डिवाइड बाय टू ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, हमें एल एच एस का आंसर ही लाना है आर एच एस जैसा राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट, एल एच एस में क्या सिखाया था मैंने, आप पहले स्टेटमेंट लिख दो वन रेस टू थ्री प्लस टू रेस टू थ्री प्लस थ्री रेस टू थ्री राइट एंड प्लस अप टू नाउ सून, एक तो के क्यूब तो है ही प्लस के प्लस वन क्यूब है राइट। क्या सिखाया था आपको, कि आप यहां से लेके ए जो वैल्यू दिख रही है वो किसकी वैल्यू है पी के की, किसके पी के, तो आप पी के प्लस दिस, तो पी के की वैल्यू क्या है देखो ऊपर ए रहा, तो आप लिख सकते हो कि के स्क्वायर प्लस के प्लस वन स्क्वायर, के प्लस वन स्क्वायर राइट, के प्लस वन स्क्वायर बच्चों डिवाइड बाय कितना होगा टू का स्क्वायर फोर, मैंने स्क्वायर थोड़ा लगा प्लस के प्लस वन क्यूब, क्या है के प्लस वन क्यूब राइट, कोई बात नहीं। क्या करेंगे के प्लस वन है के प्लस वन स्क्वायर, इसको कॉमन निकालो तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे के स्क्वायर बचेगा अपॉन फोर और प्लस आपके पास बचेगा हियर के प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, अब फोर एलसीएम ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा के प्लस वन होल स्क्वायर, एक के है अपॉन फोर, एलसीएम मैंने बाहर लिख दिया,
तो के स्क्वायर ए फोर इसके साथ मल्टीप्लस में हो जाएगा तो 4k प्लस 4 हो गया राइट। चलो आगे बढ़ते फिर। सो इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर बाय कितना हो गया 4। a क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं इसको k प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया देखो। ओके आपको बता ही देता हूँ, ए रहा हमारा RHS था k प्लस 1 k प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 राइट। ओके तो आगे बढ़ते राइट, तो आ गया बस। तो आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, तो आप पहले तो लिख सकते हो कि हियर LHS इज इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो बहुत सीधी बात है, यहां पे क्या हुआ पी के इंप्लाइज दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू राइट फॉर के बिलोंग्स टू एन राइट। सो देन पी एन इज ट्रू, पी एन इज ओके ट्रू फॉर All natural number n belongs to n, right? P and B true है, बहुत simple खत्म, right? चलो अब जाएंगे question number 3 पे बच्चों, कहाँ पे question number 3? चलो question number 3 हमारा क्या है? तो check कर लेते हैं question number 3, right? Question number 3 है 1 upon 1 plus 1 by 1 plus 2, 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus upon 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus n is equal to 2n upon n plus 1। अच्छा समय 10th standard का थोड़ा बेस भी है, अगर इसमें एक मिस्टेक हो जाती है तो आपका आंसर पॉसिबल मतलब नहीं आएगा बहुत टाइम के बाद भी। ओके तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, चलो देख लेते। तो क्वेश्चन था हमारे पास था 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 राइट क्वेश्चंस गलत ना है तो हाँ बराबर है। तो चलो क्या करेंगे, मेरे पास भी क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाएगी तो फिर लंबा टाइम लग जाएगा। 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus up to now soon n इज इक्वल टू क्या था ऊपर 2 अपॉन n प्लस n प्लस 2n प्लस n प्लस 1 2n अपॉन n प्लस 1 सो 2n अपॉन n प्लस 1 राइट। चलो लेट्स स्टार्ट, ये आपका pn है राइट। तो हम क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप 1 बच्चों राइट। चलो स्टेप 1 क्या था, तो के पुट n इज इक्वल टू 1 हमें वी से प्रूव करना है, तो P1 राइट। सो देयरफॉर LHS, तो देखो हमारा लास्ट स्टेप 1 अपॉन ए, आप क्या लिख सकते हैं इसको मुझे बताओ यहाँ पे राइट। फर्स्ट स्टेप सिग्मा n है ना, तो समेशन n, तो n n प्लस 1 बाय 2 ओके क्या हो जाएगा n n प्लस 1 बाय 2 नॉर्मली सम ऑफ n टर्म्स है बच्चों ओके तो इसका समझो कि आप n की जगह पे तो ये तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1 दैट मींस आपको तो 1 ही मिलेगा। अब RHS देखो बच्चों, RHS क्या है, तो आपका RHS है 2n अपॉन n प्लस 1, आपने 1 रख दिया तो 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे तो सीधी बात है LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। तो क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर P1 इज ट्रू, क्या आएगा P1 इज ट्रू। चलो क्लियर, फर्स्ट आपने कंप्लीट कर दिया ओके। स्टेप टू में क्या करना है, तो स्टेप टू में हम लोग करते थे कि पीके इज ट्रू, क्या करते थे पीके इज ट्रू एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलो पीके दैट मीन लेस 1 plus 1 plus 2 plus 1 upon sum of 3 terms राइट ऐसे प्लस अप टू नाउ सून 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus k क्योंकि n की जगह k, सो हियर 2k अपॉन
एन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, के प्लस वन, राइट। तो क्या हो जाएगा, के प्लस वन। सो आई पुट हियर के प्लस वन, एक्सेप्ट ही है। नाउ स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री क्या है, तो आप कहते हो कि वी शैल प्रूव के प्लस वन, ओके। तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री, राइट, प्लस अप टू नाउ सुन, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू, क्या था बच्चों, के तो था ही, क्या है, के तो था, प्लस आप एक स्टेप आगे करोगे वन प्लस टू प्लस नाउ सुन अप टू के प्लस वन, यहां तक तो है, इज इक्वल टू टू, के की जगह पे के प्लस वन अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, के प्लस वन तो के प्लस टू। तो हमारा आर एच एस तो हमें मिल गया कि हम कुछ भी करके आंसर लाएंगे टू इंटू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। ओके चलो मेथड क्या कहता है, एल एच एस लेना पड़ेगा, आर एच एस तो मिल गया है। तो एल एच एस क्या है आपका, वन प्लस वन अपॉन वन बाय टू प्लस इम्पोर्टेंस है सम वन प्लस टू प्लस थ्री, जितना इजी रख रहा है वो मिस्टेक्स आपको करवा देगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस के एन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू नाउ सुन के प्लस वन, राइट। ओके चलो पहले सिखाया कि ए पूरा वैल्यू पी के ही होगा, तो आप डायरेक्ट ले लिख सकते हो पी के की वैल्यू, राइट। तो पी के की वैल्यू क्या थी, टू के अपॉन के प्लस वन प्लस ए, मुझे समझाओ तो सम ऑफ द एन टर्म्स होता है तो क्या होता है, ओके आप जानते हो कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू एन प्लस वन, याद आया, ओके एन एन प्लस वन बाय टू सम ऑफ एन टर्म्स, तो यहाँ पे एन की जगह पे के प्लस वन है, राइट क्या है, के प्लस वन, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, राइट के प्लस वन है, तो मैं वन अपॉन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एन की जगह पे के प्लस वन इंटू के प्लस वन तो के प्लस टू, और ए बाय टू, ए बाय टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, राइट। सो टू के अपॉन के प्लस वन प्लस टू अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू, चलो क्या दिख रहा है आपको, तो क्या टू अपॉन के प्लस वन कॉमन दिख रहा है, तो इंटू ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ पे, खाली के प्लस ओनली के हियर वन अपॉन के प्लस टू। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके हर एक में लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई ज्यादा आएगा क्योंकि वहीं से आपका आंसर डिफाइन हो जाएगा। सो टू अपॉन के प्लस वन ब्रैकेट क्लोज एलसीएम के प्लस टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो के स्क्वायर प्लस टू के एन प्लस वन, तो क्या हो गया टू अपॉन के प्लस वन बराबर क्या है, टू अपॉन के प्लस वन इंटू यहाँ पे क्या गया के प्लस वन होल स्क्वायर हो गया अपॉन के प्लस टू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो के प्लस वन एक पावर कैंसिल, तो आपके पास आया टू इंटू के प्लस वन अपॉन क्या आया के प्लस टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आर एच एस, राइट। ओके तो इतना तो आ गया हम आपके पास, तो आप तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, सो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो देयरफॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, सो देयरफॉर पी के इम्प्लाइज दैट पी के प्लस वन इज ट्रू, ओके व्हेन ऑल के बिलोंग्स टू एन, राइट, देन पी एन इज ट्रू, ओके फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। चलो क्लियर, ये लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसान, बट लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके फॉर ईच एंड एवरी सम्स, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओके इसके बिना मिस्टेक्स फिर पॉसिबल नहीं है कि आपको मिले, ओके तो चलो क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। फोर क्या है, वन इंटू टू इंटू थ्री, ये पॉइंट नहीं है इंटू है, तो यहाँ पे एक साथ तीन सीरीज है, वन इंटू टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फोर, फिर एन एन प्लस वन एन प्लस टू, सामने एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री बाय फोर, ओके सिंप्लीफिकेशन बड़ा है ऐसा क्वेश्चन आया, थोड़ा ध्यान रखना,
बाकी तो कुछ है नहीं क्वेश्चंस के अंदर। ओके इंटरेस्टिंग है, आपको भी मजा आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 फिर 2, ओके 2 3 4 ऐसे एन एन प्लस 1। तो यहाँ पे क्या था हमारा पी एन, ओके तो पी एन था 1 इंटू 2 इंटू 3 राइट, ओके 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू नाउ सुन एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 ओके एन बाय 4 राइट। यही हमें करना था, जस्ट चेक दिस, ओके बाय 4 ही है, ओके एन एन प्लस 1 एन एन प्लस 2 है राइट ओके। चलो तो लेट्स स्टार्ट सम, आपने पी एन कर दिया तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या प्रूव करना है बच्चों स्टेप 1 के अंदर, ओके पुट एन इज इक्वल टू 1 सो पी ऑफ 1 राइट इज इक्वल टू, चलो एल एच एस अंदर एरा एल एच एस ए वाला, तो आपका एन आपको बता रहा हूं खाली एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 1 रख दो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3 तो डेट मीन्स क्या गया 2 3 जा 6 ओके। चलो अब आर एच एस चेक करते हैं, हमारा यहाँ पे आर एच एस क्या है तो क्या एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 बाय 4 रख दो 1 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 राइट ओके। तो यहाँ पे आपको तो साफ दिख रहा है कि 4 4 कट हो गया राइट, सो यू गॉट द आंसर 2 3 जार 6 सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो क्या लिख सकते हो सो देयर फॉर पी वन इज ट्रू। चलो ये तो हो गया स्टेप नंबर 2, क्या है बच्चों स्टेप नंबर तो एक्सेप्टिकल लेना है कि पी के इज ट्रू राइट, तो क्या करना है n की जगह पे k आपके pn में सो 1 इंटू 2 इंटू 3 सीरीज 2 इंटू 3 इंटू 4 ठीक वैसे प्लस अप टू नाउ जून प्लस राइट क्या है आपके पास तो क्या k k प्लस 1 एन k प्लस 2 इज इक्वल टू k k प्लस 1 k प्लस 2 एन k प्लस 3 अपॉन 4 राइट। चलो वी शैल प्रूव स्टेप नंबर 3 ओके, आप जानते हो तो स्टेप नंबर 3 पुट एन इज इक्वल टू तो पी के प्लस 1 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू क्या सिखाया था ये लास्ट स्टेप तो लिख ही देने का k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 एज इट इज ओके प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो क्या करूंगा k प्लस 1 प्लस 1 ये तो प्लस 1 है और एक हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा k प्लस 2 यहाँ पे 2 है और k की जगह पे k प्लस 1 तो क्या हो जाएगा k प्लस 3 राइट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो k है तो k की जगह पे क्या आएगा बच्चों k प्लस 1 फिर यहाँ पे k प्लस 1 प्लस 1 तो ऑलरेडी है ही तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 ठीक उसी तरह यहाँ पे k प्लस 2 की जगह पे k प्लस 3 एंड k प्लस 4 मतलब k प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा k प्लस 4 एंड डिवाइड बाय 4 तो आपका आर एच एस हो गया आपको ये लाना है। लेट्स सी चलो तो फिर क्या करेंगे एल एच एस ओके तो एल एच एस अप्लाई करते हैं तो मेरे पास है एल एच एस इज इक्वल टू क्या है तो क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस क्या सिखाया था के वाला पूरा टर्म्स लिख दो तो पी के वाला के के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस लास्ट स्टेप क्या है तो क्या के प्लस 1 के प्लस 2 एंड के प्लस 3 चलो क्लियर। अब मुझे बताओ हर सर एक सम की तरह बराबर यहाँ से लेके यहाँ ए वैल्यू जो आपको दिख रही है
वो किसकी वैल्यू है, पी के की, राइट। तो आप क्या लिखोगे, दिस वैल्यू इज पी के, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी के की वैल्यू रख दो, तो आपके पी के की वैल्यू क्या थी, तो के था, के प्लस वन था, के प्लस टू एंड ऑल्सो के प्लस थ्री डिवाइड बाय क्या था, फोर था, प्लस यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या आया, तो के प्लस वन था, हियर के प्लस टू एंड के प्लस थ्री एज इट इज। चलो बच्चों क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि के प्लस वन कॉमन निकल रहा है, के प्लस टू कॉमन निकल रहा है और के प्लस थ्री कॉमन निकल रहा है। तो रिमेनिंग टर्म्स आर वन प्लस टू प्लस थ्री बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, के डिवाइड बाय फोर प्लस यहाँ पे वन बचेगा, राइट। टेक द एलसीएम, तो आपने क्या कर दिया, के प्लस वन तो एज इट इज, के प्लस टू इज ऑल्सो एज इट इज, के प्लस थ्री, ए फोर इसके साथ मल्टीपल में तो क्या हो गया, के प्लस फोर हो गया एंड डिवाइड बाय एलसीएम था सबके साथ प्रोडक्ट में फोर। तो देखो आपको तो यहाँ पे क्या मिल गया, आर एच एस, ये रहा आपका आर एच एस, देखो मैंने टिक किया है वो, राइट। तो हो गया यहाँ पे बस आपका काम खत्म, क्यों, आपने जो चाहिए था वो तो दिखा दिया, क्या दिखा, तो क्या आप कह सकते हो कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो देयर फॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, राइट। तो आप लिख सकते हो पी के इम्प्लाइज दैट पी ऑफ के प्लस वन ओके इज ऑल्सो ट्रू ओके फॉर के बिलोंग्स टू एन, राइट, के बिलोंग्स टू एन, देन पी एन इज ट्रू फ्रॉम पी एम आई बाय पी एम आई, राइट, बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, मतलब क्या बोलते, चलो क्लियर, आसान, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव, वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री क्यूब अप टू एन इंटू थ्री रेस टू एन इज इक्वल टू टू एन माइनस वन इंटू थ्री रेस टू एन प्लस वन प्लस थ्री बाय फोर, सो थ्री एन प्लस वन थ्री आगे टू एन माइनस वन एन बाय फोर, ओके। चलो चेक कर लेते हैं, तो हमारा जो पी एन था वो क्या है बच्चों, वन इंटू थ्री प्लस टू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री थ्री क्यूब प्लस अप टू नाउ सुन एन इंटू थ्री रेस टू एन इज इक्वल टू टू एन माइनस वन थ्री रेस टू एन प्लस वन एन प्लस थ्री ओके एंड डिवाइड बाय टू, ओके, जस्ट चेक अगेन, बराबर है, बाय फोर है, सॉरी ओके प्लस थ्री एन इंटू थ्री एन ईयर, तो बाई क्या है, फोर है, तो वन मिस्टेक्स, ओके। चलो बच्चों जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट है नहीं, ओके, लेट्स स्टार्ट, आपको तो पैटर्न्स को ही फॉलो करना है। चलो पैटर्न आपकी क्या है, तो क्या सर सबसे पहले स्टेप वन लेना है, ओके, तो आपने स्टेप वन ले लिया, स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, वी शैल प्रूव पी वन इज ट्रू, ओके, तो पुट एन इज इक्वल टू वन, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पी वन मिलेगा फॉर एल एच एस, चलो एल एच एस आपका क्या है, तो एन इंटू थ्री रेस टू एन, वन इंटू थ्री रेस टू वन, तो क्या हो जाएगा थ्री। सिमिलरली आर एच एस ले लो, तो आपका आर एच एस क्या दिख रहा है, एरा, सो टू एन माइनस वन इंटू थ्री रेस टू एन प्लस वन प्लस थ्री एन बाय फोर, वन रख दो तो टू टू वन जा टू तो वन आ गया, थ्री रेस टू टू हो गया प्लस थ्री बाय फोर, यहाँ पे क्या आ गया, नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व बाय फोर यू गॉट थ्री, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो देयर फॉर पी वन इज ट्रू, केस वन क्लियर हो गया। चलो स्टेप नंबर
टू, क्या करना है, पुट एन इज इक्वल टू के। सो पी ऑफ के एक्सेप्टेबल है, के वो तो है ही, ओके। तो पी ऑफ के डेट मीन्स क्या जाएगा, वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस अप टू नाउ सुन के इंटू थ्री रेस टू के, राइट। क्या है, थ्री रेस टू के, यहाँ पे थ्री रेस टू के, राइट, इज इक्वल टू टू रेस टू के माइनस वन इंटू थ्री रेस टू के प्लस वन प्लस थ्री एंड डिवाइड बाय फोर। चलो एफ टू है नाउ। अब आप तो जानते हो क्या करना है हमें, क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग स्टेप नंबर थ्री पे जाएंगे। क्या है बच्चों, स्टेप नंबर थ्री, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो हमारा पी ऑफ के प्लस वन बन जाएगा वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री क्यूब। वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बट ए सबसे इंपॉर्टेंट है, ए इंटू थ्री रेस टू के, ये तो आना ही चाहिए। अब के की जगह पे आप के प्लस वन कर दो इंटू थ्री रेस टू के, के प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे के की जगह पे आपको के प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, टू के प्लस टू माइनस वन, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा टू के प्लस वन माइनस वन की जगह पे, बराबर। थोड़ा जो चेंज हो रहा है वो मैथमेटिकली ध्यान रखना, थ्री रेस टू के की जगह पे के प्लस वन, ऑलरेडी प्लस वन है तो आपके पास क्या आ गया, के प्लस टू हो गया, प्लस थ्री एज इट इज एंड बाय फोर एज इट इज। तो ये आपका आर एच एस हो गया जहाँ पे मैंने टिक किया है, वो हमें ये आंसर लाना है। तो लेट्स स्टार्ट एल एच एस, राइट। एल एच एस क्या है हमारा, तो वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री क्यूब प्लस अप टू नाउ सुन ओके के इंटू थ्री रेस टू के प्लस के प्लस वन इंटू थ्री रेस टू के प्लस वन, राइट ओके। बताओ मुझे ये वैल्यू अगेन पीके, तो लिख दो चलो ये पीके की वैल्यू, तो आपकी पीके की वैल्यू क्या है, स्टेप नंबर टू में है, यहां से उठाना है टू के माइनस वन थ्री रेस टू क्या है के प्लस वन प्लस थ्री एंड बाय फोर प्लस आपका लास्ट स्टेप, तो के प्लस वन इंटू थ्री रेस टू के प्लस वन। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, गलती से भी जल्दबाजी मत करना। थ्री रेस टू के प्लस वन प्लस थ्री एक ही स्टेप्स है, प्लस फोर इंटू के प्लस वन एंड थ्री रेस टू के प्लस वन अपॉन एलसीएम कितना था, फोर, राइट ओके। तो चलो चेक कर लेते हैं अभी जो है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, यही तो इम्पोर्टेंस है, राइट। चलो इन दोनों को साथ में लाओ, ए स्टेप्स को, राइट। तो थ्री रेस टू, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, थ्री रेस टू के प्लस वाले स्टेप्स को साथ में लाया, राइट। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, आप सोचो इसमें बचेगा टू के माइनस वन प्लस फोर के प्लस फोर, तो प्लस फोर के प्लस फोर, समझ में आया, ये फोर अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों में से कॉमन निकल गया, ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस थ्री तो मैंने साइड में रख दिया बच्चों, एंड बाय क्या आ गया फोर। चलो क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ पे थ्री के प्लस वन, राइट है, मुझे ब्रैकेट में समझाओ, टू के प्लस कितना होगा सिक्स के एंड प्लस थ्री, ब्रैकेट क्लोज प्लस थ्री एज इट इज एंड डिवाइड बाय फोर। अगेन इसमें से क्या कॉमन निकलेगा थ्री, सो थ्री इंटू थ्री के प्लस वन, आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, तो क्या टू के प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस थ्री एंड डिवाइड बाय फोर। अब पावर सेम है तो सॉरी बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो इधर थ्री रेस टू क्या गया के प्लस टू इंटू टू के प्लस वन प्लस थ्री एंड बाय फोर, राइट। जस्ट चेक दिस, क्या है बच्चों देखो, टू के प्लस वन थ्री रेस टू के प्लस टू प्लस थ्री एंड बाय फोर है, राइट। तो क्या हुआ, ओके एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। तो आप लिख सकते हो सो देयर फोर इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। तो बस यहाँ पे इंडिकेट कर दो, चलो क्या करेंगे आप, हियर पी के
पहले तो pk plus 1 is true, so therefore pk implies that p of k plus 1 is also true, okay, for k belongs to n. Then pn is true for n belongs to n, okay, for all n belongs to n, why pmi. चलो कितना सिंपल है, समझ में आ गया. ओके तो आज ए फाथ सम करते, बहुत सारे कॉपी, कुछ ज्यादा मेथड इस चैप्टर के अंदर नहीं है. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्पेंडिंग टाइम फॉर दिस वीडियो. टिल देन एंड बाय बाय.